हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड इकोनॉमिक्स का, जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। उसमें से हम 7 चैप्टर मैंने फॉर्म किया है, दैट वाज द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बेसिकली जो टॉपिक है वो ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी से रिलेटेड है। हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कवर किया था। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मीन्स वी आर डिफाइनिंग द और डिस्क्राइबिंग द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम नंबर्स में यूटिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, यूटिल्स में बताते हैं कि हमें 5 यूटिल्स मिला कॉफी से, 3 यूटिल्स मिला टी से। तो वी आर डिस्क्राइबिंग द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन की टर्म्स में हम बताते हैं, यूटिलिटी को बताते हैं कि यूटिलिटी हमें कितनी मिली। उसी तरीके से जो कार्डिनल अप्रोच है उसको डिनाई करता हुआ ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है, ऑर्डिनल अप्रोच हमें बताती है कि हम यूटिलिटी को या सेटिस्फेक्शंस को नंबर्स में नहीं बता सकते। वी कांट डिस्क्राइब इट्स इन द नंबर, वी ओनली एक्सप्लेन इट्स इन द फेवरेबल टर्म्स। हम ये बता सकते हैं कि उससे यूटिलिटी हमें ज़्यादा गेन हुई इस इन टर्म्स ऑफ टी। अगर हम कॉफ़ी और टी का कंपैरिजन लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉफ़ी से यूटिलिटी हमें ज़्यादा गेन हुई इन कंपैरिजन टू टी। तो यही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व में, दैट वाज रिलेटेड टू ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। दैट वाज कम टू द टॉपिक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता क्या है? We are describing that we are taking a two combination of commodity. We are taking a X commodity and a Y commodity. With the combination of two commodities, we are saying that we are getting the same satisfaction by these consuming these commodities by taking a X and a Y. Definitions देखिए. A single indifference curve show the different combination of x and y that yield equal satisfaction to the consumer. यानी कि हमने दो combination लिया, different commodities का लिया है। जैसे हम we are taking the example of orange or mango, we are taking the example of orange or apple or orange or mango, whatever we are taking. तो we are taking the example of orange and apple. X or y, x was the इस diagram में अगर हम देखा जाए तो एक्स वॉज द एप्पल एंड ऑरेंज वॉज ऑन द वाई एक्सिस। वी आर टेकिंग द टू कमोडिटीज, बाय कंज्यूमिंग दीज टू कमोडिटीज वी आर गेटिंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। हमें हमेशा जो हमारा इंडिफरेंस कर्व फॉर्म हो रहा है उसमें हमेशा इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चाहे हम कॉम्बिनेशन ले वन एप्पल विद 10 ऑरेंज और वी आर टेकिंग अ टू एप्पल विद 7 ऑरेंज and we are taking the 3 apple with 5 orange and 4 apple with 4 orange. तो इसमें हमें सब summing graph अगर describe करते हैं तो we are getting the same satisfaction by consuming these commodities. Come to the point, indifference schedule. Indifference schedules क्या होते हैं? Schedules of various combination of goods that will equally satisfy to the individual concern. अगर इंडिविजुअली कंसर्न की बात करें, इंडिविजुअल टर्म्स में बात करें कि उसको हर एक उससे हर कंजम्पशन से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चाहे वो 1 एप्पल ले रहा है, 10 ऑरेंज ले रहा है या फिर 2 एप्पल्स ले रहा है या 7 ऑरेंज ले रहा है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, दे आर गेटिंग द सेम सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? अगर हम इसमें आइसो यूटिलिटी कर्व की बात करें, आइसो यूटिलिटी कर्व क्या होता है? आइसो यूटिलिटी कर्व मीन्स आइसो मीन्स सेम, यूटिलिटी कर्व, इसको यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलेंगे। आइसो यूटिलिटी कर्व मीन्स वी आर गेटिंग द सेम सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। यहाँ पे ए पॉइंट में, बी पॉइंट में, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, सभी पॉइंट्स पे वी आर गेटिंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट आइसो utility curve. Next come to the properties of indifference curve. Indifference curve की properties क्या बताती है? ये जो diagram show कर रहा है वो indifference curve को ही show कर रहा है, उसी के base पे हमारी ये properties हैं indifference curve की। Indifference curve is negatively slope और slope downward. हमेशा indifference curve negatively slope करेगा
और एंड स्लोप डाउनवर्ड यानी कि नीचे की जाता हुआ ये स्लोप शो करेगा. इट कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन नेवर बी ए वर्टिकल, इट नेवर बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व. तो ये हमें क्या शो कर रहा है, हमेशा एक कमोडिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी कमोडिटी को डिक्रीज करना ही पड़ेगा. जैसे जैसे हमने वन कमोडिटीज लेते गए, वन कमोडिटीज हमने कंज्यूम की, तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, दैट वाज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पे डिपेंड करता है कि एक कमोडिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं आफ्टर टाइम अदर कमोडिटीज को हमने रिड्यूस करना ही पड़ेगा आफ्टर गिविंग अ इक्वल सेटिस्फेक्शन. जब हमारे पास इक्वल सेटिस्फेक्शन आ गया, फोर ऑरेंज लिए, फोर एप्पल्स लिए, उसके बाद हमें कंजम्पशन में क्या रहेंगे, हमें ऑरेंज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, ऑरेंज को रिड्यूस करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द एप्पल. एप्पल को इंक्रीज करेंगे, ऑरेंज को रिड्यूस करेंगे, दैट वॉज शोइंग बाय देयर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जिसपे ये डिपेंड है, जिसको हम आगे कवर अप करेंगे. इंडिफरेंस कर्व के का जो बेसिक टॉपिक है, दैट वॉज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अगर फर्स्ट वी आर सेइंग दैट नेवर बी अ हॉरिजॉन्टल, नेवर बी अ वर्टिकल और नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, कन्वेक्स टू ऑरिजिन. जब इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी अ कनकेव, कनकेव भी नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं करता, अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं होगी इसमें, दैट वॉज द डाउनवर्ड स्लोपिंग इज देयर, इसलिए ये क्या फिगर बनाएगा, कनकेव टू द ऑरिजिन. ये हमेशा क्या बनाएगा, कनकेव टू द ऑरिजिन, ये जो बेसिकली है ये कनकेव फिगर बना दी है ऑरिजिन से. तो दैट वॉज शोइंग बाय द इंडिफरेंस कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर. दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इस टाइप से फॉर्मेशन नहीं फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी विद दिस सेटिस्फेक्शन, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कभी भी इंक्रीज कभी भी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका सेटिस्फेक्शन अलग लेवल है, इसका सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का है, तो दोनों में सेम कभी भी नहीं होगा. इस पॉइंट पे कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि इंटरसेक्शन होगा. इंडिफरेंस कर्व नेवर बी इंटरसेक्ट विद ईच अदर. हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फेक्शन. जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हम इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा. जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया इंडिफरेंस कर्व हमने इंक्रीज किया, वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इंक्रीज करता जाएगा. अकॉर्डिंग टू IC1, IC2 का सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फेक्शन. इंडिफरेंस कर्व नेवर टच X-axis एंड Y-axis. इट कैन नेवर बी टच ऑन द X-axis और Y-axis पे कभी भी टच करता हुआ नहीं फॉर्म होगा, ये हमेशा दैट वॉज फार अवे फ्रॉम X-axis एंड Y-axis, कभी भी टच होता हुआ फॉर्म नहीं होगा इंडिफरेंस कर्व. सिक्स पॉइंट वॉज द मे और मे नॉट बी पैरेलल. इंडिफरेंस कर्व जब भी हम फॉर्म करेंगे, इट कैन बी मे बी अ पैरेलल टू द अदर इंडिफरेंस कर्व, इट कैन नेवर बी अ पैरेलल टू अदर इंडिफरेंस कर्व. ये क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अगर हम कॉन्स्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट ही डिक्रीज होगा, तभी इंडिफरेंस कर्व पैरेलल फॉर्म होगा. अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्स्टेंट इंक्रीज या कॉन्स्टेंट डिक्रीज नहीं हो रहा तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा पैरेलल नहीं होगा. इसलिए हमें कह रहे हैं कि मे और मे नॉट बी पैरेलल टू द इंडिफरेंस कर्व विद द अदर इंडिफरेंस कर्व. गॉट माय पॉइंट. नेक्स्ट कम टू द टॉपिक ऑफ स्पेशल केसेस और स्पेशल शेप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. स्पेशल शेप्स कौन कौन सी है इंडिफरेंस कर्व की. परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन. परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मीन है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि पूरी के पूरे हम उस पर शिफ्ट कर जाए, किसी भी प्रोडक्ट के को छोड़ते हुए दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाए, दैट वॉज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन. जैसे कॉफी का रेट ज्यादा होता है तो हम टी पे शिफ्ट कर जाते हैं, पेप्सी को छोड़ के हम कोक पे शिफ्ट कर जाते हैं, दैट वॉज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन. जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या फॉर्म होगा, 1, और उसमें डायग्राम फॉर्म होगा, दैट वॉज द स्ट्रेट लाइन.
स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व फॉर्म होगा. एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की जो वन है उसकी शेप कैसी फॉर्म होगी. दैट वॉज द स्ट्रेट लाइन और ए डाउनवर्ड स्लोपिंग और ए एल शेप कर्व और ए नेगेटिवली स्लोप वट एवर इज द परफेक्ट सब्सटीट्यूशन मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन दैट वॉज गिवन बाय द वन. अगर मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वन है तो उसकी पिक्चर कैसे ड्रॉ होगी तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट वॉज द कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा जीरो होगा. दैट वॉज द एल शेप फॉर्म होगी मार्जिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में. तो जब एल शेप फॉर्म होगी तब मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा क्या होगा, वन होगा, जीरो होगा, लेस देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा. इस टाइप की जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट वाज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस जिसपे हमारा इंडिफरेंस कर्व बेस करता है. तो ये आपसे बेसिकली बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है, इट इज अ रेट एट विच द कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट वन गुड्स फॉर द अदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज नहीं किया है, सेटिस्फेक्शन वॉज सेम एज इट इज. सेटिस्फेक्शन हमारा बिल्कुल सेम रहा है. हमने एक प्रोडक्ट को इंक्रीज किया है तो दूसरे प्रोडक्ट को रिड्यूस, एक प्रोडक्ट को इंक्रीज किया है दूसरे प्रोडक्ट को हमने रिड्यूस कर दिया और दैट वॉज गिवन बाय द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल और वो हमें हमेशा सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है. दैट वॉज द मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एक्स ऑन वाई. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स और माइनस चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. अगर एक्स वाई, इसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स ऑफ वाई, एक्स ऑन वाई जो है, एक्स ऑन वाई तो कई स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं लॉस ऑन एक्स ओवर गेन ऑफ वाई, इस टाइप से लिख देंगे या फिर इस टाइप की कंफ्यूजन रह जाती है. माइनस और प्लस का भी साइन नहीं देखते हैं तो यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन आएगा, यानी कि एक जो प्रोडक्ट है एक की कंजम्पशन हमेशा रिड्यूस होगी, एक की कंजम्पशन हमेशा इंक्रीज होगी. दैट्स वाई वी आर गिविंग द माइनस साइन विद द चेंज ऑफ वाई ओवर चेंज ऑफ एक्स. तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, एक्स एक्स ऑन वाई में हमेशा फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. जब हम बात कर रहे हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में हम कैसे फॉर्म करेंगे, जैसे देखिए कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन है. एप्पल का जो प्रोडक्ट है 1, 2, 3, 4 हम ले रहे हैं और ऑरेंज हमारे उस हिसाब से 10, 7, 5, 4 हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं. अब देख रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट और ये रिड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट. तो जहां पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आप उसके बाद क्या होगा, जो जैसे ही हम एप्पल इंक्रीज करेंगे, एप्पल और इंक्रीज कर एप्पल की रिडक्शन हो जाएगी और जो ऑरेंज वाज़ द इंक्रीजिंग. तो उस केस में मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन चेंज ऑफ ऑरेंज विद द चेंज ऑफ एप्पल हम निकाल रहे हैं. चेंज ऑफ ऑरेंज और चेंज ऑफ एप्पल, जब यहाँ पे हमारे पास चेंज कितना आ रहा है 3 का विद द चेंज ऑफ वन एप्पल. तो हम इंक्रीज कितना कर रहे हैं एप्पल का 1 और ऑरेंज का चेंज हो रहा है 3. तो दैट्स वाई 3:1 फॉर्म हो रहा है. उसी तरीके से 2/3 में जब जाएंगे ए से बी में, ए से सी में जाएंगे तो वहां पे चेंज कितना हो रहा है 7 से 5 में 2. 7 से 5 में कितना चेंज हो रहा है, दैट वॉज द 2 चेंज. और एप्पल का चेंज कितना हो, वेरिएशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है. दैट्स वाई द 2:1 अगेन इन दिस. That was the change of 1 in the change of 1 in orange also. That shows the 1:1 change. तो ये हमें शो करता है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस. उसी तरीके से हमारे जो ग्राफ है उसमें भी यही चीज शो की है, मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस किस तरीके से फॉर्म किया जाता है. मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस में हम लोग यही चेंज करते हैं, अगर हम कंजम्पशन कर रहे हैं 1 एप्पल की और 10 की ही कंजम्पशन ऑरेंज की कर रहे हैं तो उस केसेस में जैसे जैसे रिडक्शन होती जाएगी एक लेवल ऐसा आ जाएगा दोनों की कंजम्पशन हमने सेम की, एप्पल की कंजम्पशन भी हमने सेम की और ऑरेंज की कंजम्पशन भी सेम की, उस लेवल पे आके एक जो आइसो यूटिलिटी कर्व हमारा फॉर्म हो जाएगा. सेम यूटिलिटी वो हमें दे रहे हैं तो आइसो यूटिलिटी फॉर्म हो जाएगी और हम कहेंगे दैट शोइंग अ नेगेटिवली स्लोप और डाउनवर्ड स्लोपिंग.
That was the topic which is related to indifference curve analysis. If you have any queries, please comment on the comment sections. Please like my video if you like it and share it. Thank you. जो मेरे चैनल पे नहीं है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय.